सुलगिरी से ब्लॉक प्रमुख का पर्चा दाखिल करते वक्त बड़ी खबर सामने आई है, जहां सपा प्रत्याशियों ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन करते समय भाजपा कार्यकर्ताओं पर पर्चा फाड़ने का आरोप लगाया है। और साथ ही सपा MLC शशांक यादव और क्रांति कुमार से भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभद्रता भी की। सपाइयों का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरओ के सामने 100-150 लोग नामांकन स्थल में घुसकर जबरदस्ती पर्चा छीन ले गए। बता दें कि सपाइयों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पसगवा में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा की शह पर भाजपा कार्यकर्ता सपाइयों के साथ उपद्रव कर रहे थे। तो वहीं सपा प्रत्याशी रितु सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर कपड़े फाड़ने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। लखीमपुर खीरी से KKD न्यूज संवाददाता अमरकांत राज की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर थाने पर कुछ दिनों पहले जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर ने आदेश जारी किया था, जिसमें जिले के सोयतकला थाने में पदस्थ TI राजीव उइके को स्थानांतरित कर सुसनेर थाने का TI नियुक्त किया गया था, जिसके बाद बीते दिनों TI राजीव उइके ने सुसनेर थाने का पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि बीते 6 महीने से उप निरीक्षक संजय सिंह राजपूत सुसनेर थाने का पदभार संभाले हुए थे और TI राजीव उइके द्वारा जुलाई 2020 में पहले भी 1 से 2 महीने के बीच रहकर सुसनेर थाने का पदभार संभालने के बाद इनका स्थानांतरण करके सोयतकला थाना भेज दिया गया था। मध्य प्रदेश से KKD न्यूज संवाददाता गिरिराज बंजारिया की रिपोर्ट। हमीरपुर के ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दिन सुबह से ही ब्लॉक परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वहीं सिपाहियों ने इस मौके पर आरओ पर पर्चा न देने का आरोप लगाया है, हालांकि अभी तक उनका प्रत्याशी यहां नहीं पहुंचा है। बता दें कि आज ही पर्चा दाखिल करके जांच की अंतिम तारीख है। अभी हम ब्लॉक प्रमुख बेटा है ना, अध्यक्ष तो लेके आ रहा है प्रत्याशी, आरोप पर्चा नहीं दे रहा है। नहीं, गाइडलाइन के हिसाब से तो पर्चा की तारीख कल तक थी, आज तो उठाने की तारीख है। अच्छा, आज मिल रहा है क्या? आज ही सब कुछ होगा, पर्चा मिलेगा, भरा जाएगा, आज ही लास्ट तारीख है उसी पे। हमीरपुर से KKD न्यूज संवाददाता महेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश की आरक्षित लोकसभा सीट टीकमगढ़ के 7वीं बार सांसद बने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने व कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होने पर समूची बुंदेलखंड में हर्ष की लहर दौड़ उठी। दिल्ली में हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद निवाड़ी जिले में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जैसे ही डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई, निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर और ओरछा में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए और साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पूर्व में भी मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में व लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभा चुके हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से KKD न्यूज संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमकर हुआ ड्रामा। दरअसल बीते साल कोरोना के शुरुआती दौर में बरेली पुराना शहर के हजियापुर के वजीर अहमद को कोरोना पॉजिटिव बताकर एक प्राइवेट अस्पताल में डाल दिया गया था, जहां दवाई खाना पानी की कमी के चलते वजीर अहमद की मौत हो गई। वजीर अहमद की मौत के बाद प्रशासन ने दोहरी चाल अपनाई और शव को दफना दिया, जिसके बाद वजीर की पत्नी ने पति के जीवित रहते ही प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर, जिसे प्रशासन ने अनदेखा कर दिया था। मृतक की पत्नी ने वजीर की जांच रिपोर्ट की मांग के साथ ही CMO से कई सवाल पूछे, जिसका आज तक जवाब नहीं मिल सका। इसी के चलते एक महिला नेता ने वजीर की पत्नी को साथ लेकर CMO ऑफिस जा पहुंची, जहां महिला ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान ऑफिस स्टाफ द्वारा भी बदतमीजी की गई। आपको बता दें कि वजीर के मामले में जो कुछ भी किया गया उसके जिम्मेदार प्राइवेट अस्पताल और जिला प्रशासन तो है ही, पर उससे कहीं अधिक जिम्मेदार CMO कार्यालय भी है, क्योंकि कोरोना के नाम पर अस्पतालों में जो खेल खेला जा रहा है या कोरोना के जांचों में जो खेल हो रहा है, वह सब CMO कार्यालय के ध्यान और सहमति से हो रहा है। रहमत के मामले में आना हुआ, उनकी 29 अप्रैल 2020 को मौत हो गई थी, जिसे मैंने चीख चीख के कहा था कि उनका मर्डर किया गया है, और आज भी मैं वही कहूँगी। और अब उनकी दोबारा 2021
27 अप्रैल 2021 को उनकी रिपोर्ट आई है जिसमें कोरोना की सोशल मीडिया पर उसका जवाब। बरेली से केकेडी न्यूज संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। महू थाना क्षेत्र की खान कॉलोनी में आज सुबह 9 बजे दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक फिरोज मेवाती महू के सिग्नल विहार कॉलोनी में रहते हैं और उनका खान कॉलोनी में मकान है। उस मकान में तकरीबन 12 लोग किराए पर रहते हैं। किराएदार युवक की पत्नी रेगुलेटर बंद करना भूल गई। गैस इतनी भयानक रूप से ब्लास्ट हुई कि पूरी मल्टी क्षतिग्रस्त हो गई। जबकि उसी मल्टी के सामने रहने वाले अब्दुल रशीद का मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रशीद ने बताया कि सुबह उठकर हम लोग मंडी चले गए थे। इस दौरान सूचना मिलने पर हम आकर देखे तो दंग रह गए। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। घायल युवक की पत्नी व 2 से 2.5 साल का बच्चा, पास में किराएदार फिरोज नबी और एक 12 साल का लड़का भी बुरी तरह से घायल हुआ है। तो वहीं समीर और उसकी पत्नी बच्चे को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इंदौर MYH हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। तो पाया कि समीर करके एक लड़का है, 23-24 साल उम्र है, उसके घर में ब्लास्ट हुआ था किचन के पास में, और बगल में लगी हुई दीवार से एक दूसरी फैमिली है, तो वो दीवार टूटने से उनके यहाँ भी एक दो लोग घायल हुए, सामने भी ब्लास्ट का असर हुआ। उसके बाद फिर मौके पे हम लोग आए, VDS टीम और FSL टीम को बुलवाया। FSL टीम तो नहीं आई, लेकिन VDS टीम के प्रभारी खालिद साहब जो है वो आए, उन्होंने पूरा चेक किया। तो चेक करने पे ये पाया है कि जो गैस सिलेंडर से जो लगी हुई पाइपलाइन होती है वो एक तरफ से कोने में जो है जहाँ मुड़ी हुई होती है वहाँ चूहों के द्वारा उतरी हुई है, और पूरा का पूरा हुआ आरपार उसमें से गैस लीक होती रही है। तो जो VDS टीम की प्रभारी के ओपिनियन है और हमने भी देखा है, तो प्रथम दृष्टया यही है कि गैस जो है पूरी उस कमरे के अंदर इकट्ठी होती रही। उससे मेरी चर्चा हुई थी कि घर में कुछ ब्लास्ट हुआ है। यहाँ आने के बाद जब मैंने घटनास्थल को चेक किया तो चूँकि पूर्व में ऐसी घटनाएँ हो चुकी है काफ़ी, जिसमें गैस टंकी से गैस रिसाव होने के बाद ब्लास्ट हुए, तो सबसे पहले मैंने गैस की नली को चेक किया, वो चूहे द्वारा कुतरी गई पाई गई है। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। बंडा में संयुक्त मोर्चा के निर्देशन पर शारदा नहर मकसूदापुर पुल पर किसान यूनियन टिकैत गुट ने महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर महंगाई कम करो के नारे लगाए। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष मंजीत सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर की बढ़ रही महंगाई के खिलाफ रोड पर आकर जोरदार किसानों ने रोड पर सिलेंडर रख कर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और फोर व्हीलर खड़ी करके जमकर नारेबाजी की। तो वहीं इस मौके पर झरमल सिंह, महासचिव कुलदीप सिंह, जिलाध्यक्ष करनैल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष बाबूराम गौतम, सतनाम सिंह के साथ दर्जनों किसान प्रदर्शन में मौजूद रहे। पेट्रोल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन था कि रोड के पास में खड़े होकर हम लोगों ने ये बताया है कि हम लोग कितने परेशान हैं कि ना गैस भरवा पा रहे हैं ना गाड़ी चला पा रहे हैं। बंडा से केकेडी न्यूज संवाददाता सुखचैन।